अस्सलामुअलैकुम, आज की मेरी रेसिपी है चिकन लेमन चस्कारा। इसके लिए मैंने 1 kg चिकन लिए, थाई पीस लिए और ये लेग पीस लिए, जिनके ऐसे मैंने इनको बड़े बड़े कट लगा लिए। देखिए इस तरह वॉश करके इसमें मैंने कट लगा ली। अभी इसकी मसाले ये इसमें जाएंगे, 1 चम्मच नमक, 1.5 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1.5 चम्मच कुटी मिर्ची, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच कचरी पाउडर और 1 चम्मच काली मिर्च और 2 से 3 बड़े साइज के नींबू। सबसे पहले इसमें नींबू ऐड करेंगे, अच्छे तरीके से इसको नींबू को इसके से लगाएंगे चिकन में। और ये जो मसाले सारे जो हैं इसमें ऐड कर लेते हैं। अच्छे तरीके से इस पे लगा लेंगे ये मसाले ताकि इसके अंदर जज्ब हो जाए और इसको 2 से 3 घंटे के लिए फ्रीजर में रख देंगे। इनके अंदर जज़ब हो जाए ताकि इनके अंदर लगाने हैं सारे मसाले। उसके बाद इसको 3 से 4 घंटे के लिए फ्रीजर में रख दीजिए। रेट हो चुका है ये 3 से 4 घंटे के लिए। इसमें मैंने बताना भूल गई, मैंने 2 बड़े चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है। अभी इसमें मैं ये 2 चम्मच के करीब कॉर्नफ्लोर ऐड कर रही हूँ। और 1 चम्मच के करीब मैंने चाट मसाला ऐड किया है। अभी इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। देखिए कॉर्नफ्लोर अच्छे तरीके से लगा लिया है, अभी ये ऑयल भी गर्म हो चुका है। अभी इसको मीडियम आंच पे इसको फ्राई कर लेंगे। मीडियम आंच फ्लेम करके ऐसे तरीके से गोल्डन हो चुका है। इसी तरह हमने सारे फ्राई कर लिए। चिकन नींबू चस्कारा आप भी बनाए और ट्राई करें और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।